भ्रष्टाचार दूर करना है। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी ना पहुंच पाए। हमें चुनाव नहीं लड़ना, हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, इस देश के लोग लड़ेंगे चुनाव। इस देश के लोगों के पास अभी तक विकल्प नहीं होता था, अब हमें विकल्प देना है लोगों को। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज, अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में, सुरेश कलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदंबरम साहब, अलागिरी, कनीमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगनमोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। ये तो मैंने शुरू कर दिया, मेरी आप लोगों से निवेदन है शाम तक आप लोग और भी लिस्ट बना के यहां पे, आप लोग सारी लिस्ट बना के शाम तक यहां पे जमा कर दें। ये लोग सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, 500-500 करोड़ रुपए बता रहे हैं खर्च कर रहे हैं मोदी जी के प्रचार में, 500 मोदी जी की ब्रांड तैयार करने के लिए 500 करोड़, राहुल गांधी की ब्रांड तैयार। जो आदमी 500 करोड़ रुपए तैयार खर्च करके अपनी ब्रांड बनाएंगे वो इस देश को ईमानदार सरकार देंगे? पहले ये तो बताएं, 500 करोड़ रुपए आ कहां से रहे हैं?